अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और सभी बढ़िया होंगे अपनी अपनी जगहों पर। एंड वेलकम बैक टू द न्यू एंड फ्रेश व्लॉग। सो गाइज, आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आप सोच रहे होंगे मैं तैयार होकर कहाँ जा रहा हूँ। एक्चुअली हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ श्रीनगर। श्रीनगर तो वैसे भी जाते हैं लेकिन आज कुछ हटके करेंगे। तो मैं जा रहा हूँ श्रीनगर एक्चुअली नाइट स्टे करने के लिए एंड हम रहेंगे एक बोट में। तो इट्स गोना बी सुपर फन और बहुत मज़ा आएगा। एंड बोट वो वगैरह हम वहीं पर बुक करेंगे क्योंकि मैंने उस शिकार अंकल के साथ जो मैं आपने पिछला व्लॉग देखा, उन्होंने बोला था कि मेरे को बोलना जब बोट बुक करनी है। एंड उन्होंने हमें बहुत जेन्युइन रेट पे वो बोट दे दी बुक करके। एंड उन्होंने बोला जल्दी से आ जाओ और देख लो। तो यस, एंड अभी मैं तैयार होके जा रहा हूँ एंड देखेंगे रात का नज़ारा बोट में कैसा रहेगा एंड बोट की फैसिलिटीज़ वगैरह आपको जाना चाहिए कि नहीं, आप भी देख लोगे, आप भी एक्सप्लोर कर लोगे। सो मैं अभी हो गया हूँ रेडी। एंड बाय द वे, अभी नहीं हुआ रेडी, अब हो गया मैं रेडी। एंड बाय द वे गाइज, मेरे जो ये ग्लासेस है ये टूट गया कल, ये वाला लेंस। एक्चुअली मैं कल इस पर बैठ गया इसीलिए टूट गया। तो कोई नहीं यार, मंडे के दिन चेंज करवाएंगे हम इसी को, राइट वाले लेंस को चेंज करना है। सो यस, अभी फिलहाल के लिए हो गए हम रेडी। एंड कपड़े वगैरह भी कर लिए हमने पैक, बहुत अच्छे कपड़े और परफ्यूम वगैरह भी एंड जो जो ब्रश वगैरह सामान है उसको भी कर लिया हमने पैक। तो एंड जो भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको भी कर लिया है मैंने सभी को पैक, चार्जर वगैरह एंड बहुत बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो यस, एंड वी आर गुड टू गो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो क्विकली। गाइस से गुड बाय टू आवर रूम एंड ऐसे मिलते हैं हम अब कल। तो बाय बाय। सो गाइस, पापा करने वाले हमें रोड तक ड्रॉप, सो लेट्स गो। गाइस मोए हो गया, ट्रैफिक वालों ने इसको पकड़ा, ड्राइवर अंकल को पकड़ा एंड इसके पास कोई स्टैंड नहीं था तो उसने यहीं पर ड्रॉप कर दिया। एंड उसने बोला यहाँ से पैदल जाओ, अब 10 मिनट लगेंगे हमें डल गेट तक। अभी हम वेट कर रहे हैं दूसरी गाड़ी का, देखते हैं कब तक आती है, ये हमें डल गेट तक छोड़ेगी। जल्दी से चढ़ते हैं इसमें। गाइस वी आर फाइनली हियर, ये देख लो नज़ारा आप। एंड अभी करेंगे हम ड्राइवर अंकल को फ़ोन एंड देखेंगे वो कहाँ है। ओके सो गाइज, अंकल को यही आधा घंटा लगेगा यहाँ पर आने में। तो तब तक मैं आया हूँ यहाँ पर लंडन ड्रीम्स कुछ खाने के लिए, जैसा हम पिछली बार भी आए थे। सो देखते हैं क्या कुछ खाते हैं ब्रेकफास्ट में। मैंने ब्रेकफास्ट उतना खास नहीं किया तो पहले करते हैं अपना ब्रेकफास्ट जल्दी से। ये देख लो गाइज, ओए होए होए होए, ये रही हमारी दही, ये लिप्टन चाय एंड ये रहा हमारा आलू पराठा। तो करते हैं इसको जल्दी से फिनिश। यार क्या ही फाइट हो रही है गाड़ी के लिए। वाह गाइस, ब्रेकफास्ट भी हो गया मस्त और अंकल ने फ़ोन करा और बोला कि आ जाओ, मैं आ गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली अंकल के पास। सो यस लो, बोट का नाम और बोट का जो डेट ऑफ इशू है वो भी दिया गया है। ये 2017 की बोट है और सबसे पुरानी है जो अभी यहाँ पर खड़े हैं, इनमें से सबसे पुरानी है ये वाली। इसका डेट ऑफ इशू है 5/7/1980। यार इतनी पुरानी है ये वाली बोट। ऐसे ही बाकी सभी बोट्स हैं, ये नए नए मॉडल्स हैं ये वाले। नए नए मॉडल्स मतलब कि ये है 2006, वो 2003, आधे 18 आधे कुछ। वाह यार नाइस। अस्सलाम वालेकुम, ठीक और अभी हमें ये कहाँ पर है वो शिकारा, ये बोट ना, बोट अंदर है, बोट अंदर है, ठीक। अभी वहाँ से शिकारा में ही जाना है, शिकारा में ही जाना है। कौन सी वाली शिकारा है आपकी? ये शायद ये। चलिए गाइस स्टार्ट आवर जर्नी गाइस। ये चले गए अंकल अपनी हॉट सीट पे और लेट्स गो गाइस। वहाँ पे अंकल मछलियाँ पकड़ रहे हैं और हमें भी मन हो रहा है पकड़ने का लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहुँच गए हम फाइनली गाइस। जब इसको हम कॉल करेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ ये आएगा, ये नंबर देगा ना, आपका कार्ड देगा ये, ठीक। जब भी आप आएगा हाँ तब इसको फोन लगाना, आधा घंटा पहले शिकारा वहाँ खड़ा होगा एक नंबर पे। चलिए शुक्रिया इसके लिए भी। तो गाइज ये वाली है ना बोट, ये वाली ये वाला है। दूसरा यही
दूसरा। हाँ तो ये रहा है हमारा। मालिक का है तीनों तो ये करोड़पति आदमी है भैया ये बॉय आराम से चलो आजा। ये पूरे नाई को चुका हूँ क्या? नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ सिर्फ मुझे जानना है कितना कीमत है इसका। क्या कीमत? हाँ सभी का इसका एक फुल बोट का क्या कीमत होता है? एक करोड़। मतलब कि अभी यहाँ पर ये तीन करोड़ के कमाल है यहाँ पर। आप कहाँ से आए? हम आए हैं अनंतनाग से। अनंतनाग से? हाँ जी। तो फिर चलिए दिखाइए। जूता बाहर निकालना है। अच्छा। ये हो गया बाहर बैठने का। ये हो गया बाहर बैठने का बालकनी। ये भी हो गया बैठने का। ये तो हो गया बैठने का ठीक। ये बेडरूम। आजा 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 मैं दिखाऊं ना इधर बेडरूम। ये फटा उठा के रखना पड़ता है। हवा देना पड़ता है। हवा हवा ही। ये देखो बेडरूम। ये हो गया जी बेडरूम। हाँ ये हो गया वॉशरूम। जाओ देखो वॉशरूम भी बढ़िया है। हाँ हो गया ये। और क्या है? और उधर बैठने का है। और उधर बैठने का है। सेफ है ये है ना? सेफ क्या मतलब उसके लाखों टूरिस्ट आता है। चलिए फिर ठीक है। और आप बोलिए आप प्राइस इसमें आपको पड़ेगा 4,000। आपने तो बोला 3,000 बोला है। मैंने इसलिए उस दिन अंकल का नंबर लिया था ना। अच्छा इसका 3,000 बोला है। चलो ठीक है क्या बोला जब बोल दिया तो मैं अभी पे कर देता हूँ और हम सामान रखेंगे। अभी हमें जाना थोड़ा घूमने। जाओ शौक से। चलिए ठीक है फिर तो मैं आपको कर देता हूँ पे और उसके बाद हम जाएंगे वापस। और ये कार्ड देगा? हाँ फिर उस कार्ड का नंबर करना इसको करना फोन। चलिए ठीक है। आधार कार्ड है? आधार कार्ड फोन में होगा। हाँ दे दो उसको एंट्री करना है ना बाहर। चलिए कोई बात नहीं आ जाइए। तो गाइस हो गया सब कुछ बोट वोट का एकदम मस्त। एंड अभी थोड़ा मेरे को ये बैगी सा लग रहा है। एंड अभी हम करेंगे इसका चेंज आउटफिट क्योंकि अभी हम जाएंगे थोड़ा घूमने एंड वापस आ जाएंगे। जैसा कि शिकारा वाले अंकल ने कहा कि मेरे को फोन कर देना जब वापस आ जाओगे तो हम वो हमें इधर ही छोड़ देगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं तो कुछ बाहर एंजॉय थोड़ा करने के लिए। एंड आउटफिट वगैरह भी करेंगे चेंज। सबसे पहले मैंने लाया है ये ट्राउजर एंड बहुत ही बढ़िया क्योंकि मेरे को पैंट वेंट पसंद नहीं है यार। जीन्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है उसमें इंसान कंफर्टेबल नहीं रहता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे ये पुट ऑन। कैसे है गाइस? गुड। एंड इसको हम निकालेंगे बाहर एंड हम करेंगे पुट ऑन ये स्वेटर एकदम ब्रांडेड वाली। और ये किसकी है? निमारो की। निमारो का ट्राउजर भी ओरिजिनल है भाई एंड निमारो का ये भी स्वेटर भी। एंड यस सो यस ये होगी हमारी स्वेटर। एंड उसके बाद हम करेंगे पुट ऑन ये बिल्कुल क्लासिक जैकेट। तो पहले लगाते हैं इसको जल्दी से। सो नाउ कैसे लग रहे हैं हम? एंड वी आर गुड टू गो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो। उसका नाम कौन था? स्लाबा। आपको कुछ देना है हमें? बोलिए आप जो मर्जी होगा। नहीं आप बोलिए जो मर्जी होगा। A few inches later. तो गाइज अभी मैं हूँ यहाँ पर। ये देखो आप ये रिवर जहलम। एंड अभी जा रहा हूँ मैं कुछ घूमने शूमने बिकॉज टायर्ड हो गए। एंड अभी देखेंगे क्या कुछ रहेगा। तो जो भी होगा आपको भी दिखाएंगे। वीडियो के साथ बने रहो। तो गाइज अभी हम करने वाले हैं जिप लाइन की राइड। 100 rupees पर राइड। अभी ये बेल्ट लगाना है क्या? मेरे को ही जाना है पहले। खतरा वतर तो नहीं है ना? कोई नहीं हम इधर ही हैं। दे वाला तो ये रहा सेफ्टी के लिए। तो गाइस क्या 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 लगता है? बिग फैन तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मौत के हवाले। ऊपर जाना है ऊपर। ऊपर
ब्रो हालत खराब ब्रो, मुझे नहीं करना है। तो गाइस एकदम लवली एक्सपीरियंस और सीधे फट गई यार। अभी हम जाने वाले हैं उस बाइक पर, इस वाली बाइक पर। तो गाइस अभी जिपलाइन की राइड हो गई एंड अभी जाने वाले हैं हम इस वाली बाइक में एंड इट्स गोना बी टू फन, सुपर फन। तो यस चल। आ गए हम पार्क से भी। एक्चुअली इनके पास थोड़े काम ही झूले थे लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया। एंड अभी हम जहाँ मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह, अभी जहाँ भी जाएंगे मैं आपको फिर वहीं मिलूँगा। तो यस गाइस अभी हम करने वाले हैं तो आ जाओ भैया, क्या बना रहे हो का होता है फिफ्टी। आप एक काम कीजिए, आप पाइन एपल जूस बना लीजिए, थोड़ा मीठा बना लीजिएगा ठीक है। इसको इसमें से डालना है पहले, इसमें डालना है ठीक, पहले इसमें डालना है फिर नीचे से जूस। हाँ तो खैर ये रहा इसका प्रोसेस, देखो नीचे से अच्छे से जूस निकल रहा है। एंड ये रहा कुछ ऐसे तरीके से जूस और इसको हम करने वाले हैं पोर अप इस ग्लास में। ये क्या है? नमक, सॉल्ट। नमक थोड़ा, ये सॉल्ट। नमक किस लिए? टेस्ट के लिए। अच्छा टेस्ट के लिए। एंड अभी करेंगे हम इसका टेस्ट। बाय द वे इट्स गुड फॉर हेल्थ एंड पीना चाहिए पाइनएप्पल का जूस। तो अभी करते हैं इसका टेस्ट। बहुत ही बढ़िया है, हेल्दी है बहुत। तो गाइस अभी मैं आया हूँ लाल चौक में, जैसा कि आपको पता होगा एंड पीछे दिख ही रहा होगा एंड मैं फिर से फिर भी बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं करता हूँ काम, अभी थक बहुत गए हैं एक्चुअली। अभी मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली अपने हाउस बोट में एंड यस तो रेस्ट वगैरह करेंगे क्योंकि अभी टाइम है बहुत, कुछ खाने वगैरह के लिए लेंगे एंड थोड़ा रेस्ट करेंगे। सो गाइज अभी फिलहाल के लिए हमने रेस्ट वगैरह कर लिया एंड अभी ये शूट हो रहा है पिछले फ्रेंड के अलग अलग एक दो घंटे के बाद एंड मुंह धो लिया हमने, फ्रेश वगैरह हो गए एंड अभी मैं जैकेट पहनता हूँ क्योंकि बाहर शायद मौसम बहुत ख़राब है। तो अभी मेरा मूड हो रहा है कुछ खाने का, एक्चुअली KFC खाने का बहुत मूड हो रहा है मेरा, बहुत मन। एंड इसी बहाने चल रहे हैं हम स्टी मॉल एंड शिकारा वाले अंकल को फ़ोन कर दिया, वो हमें ड्रॉप कर देंगे सड़क तक एंड स्टी मॉल चलते हैं और वहाँ जाते हैं KFC में कुछ खाने के लिए। जो भी खाएंगे आपको भी दिखाएंगे एंड यस तो अभी फिलहाल के लिए चलते हैं क्या क्या कुछ रहेगा एंड खाने के लिए भी सामान वहीं से लाना है। तो यस तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम स्टी मॉल, यही पास में ही है। एंड बाय द वे यहाँ से देखो अब क्या नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत। और यार वो पोस्टर देखे क्या लग रहा है आपको, मतलब कि वो इसका कुछ एडवर्टीजमेंट नहीं, ये सामने जो तीन पेयर दिख रहे हैं इसको देखे क्या लग रहा है आपको कमेंट्स में बता दो। यार मैं तो बस इतना ही कहूँगा, लॉयल फैंस आर स्टिल अलाइव लाइक मी। तो गाइज ये रहा स्टी मॉल एंड चलते हैं डायरेक्टली अंदर, बहुत भूख लगी है, KFC खाना है यार। सो गाइज मेरे को शेड्स लेने थे तो हम आए यहाँ पर स्टोर पे ओपिनियम एंड बहुत ही ब्रांडेड शेड्स मिलते हैं यहाँ पे। सो गाइज इसी के साथ हम आ चुके हैं अपने फेवरेट जगह KFC कुछ खाने के लिए एंड टेबल्स यार सारे बुक किए हुए हैं यार, वो वाली खाली है। तो हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर अच्छे से बैठेंगे एंड देखते हैं क्या कुछ ऑर्डर करेंगे। तो गाइज ये रहा हमारा ऑर्डर एंड करते हैं इसको जल्दी से फिनिश। तो गाइज KFC का शौक भी निकाल लिया एंड अभी बहुत जोर की बारिश पड़ रही है, देख लो मैं तो पूरा भीग गया। एंड अभी मैं जा रहा हूँ वापस बोट में अपनी जगह एंड उससे पहले हम कुछ लाएंगे खाने छाने के लिए मस्त, बिकॉज शाम को फिर जा नहीं सकते वापस मार्केट। तो खाने छाने के लिए लाएंगे कुछ जंक फूड मस्त एंड
जाएंगे वापस बोट में, पहले मैं करता हूँ उनको फोन के आ जाओ रिसीव करने के लिए। सो अभी चलते हैं जल्दी से, सी यू देयर गाइस। आप दे दीजिए जल्दी से ये सामान हमें। ओह माउंटेन ड्यू, बड़ी छोटी बड़ी दे दीजिए। स्विस रोल कितने का ये? 90-90 दे दीजिए जल्दी जल्दी दे दीजिए। थोड़ी भी गई भीखा भीखा है सामान। हाँ आप गाना गाइए फिर कोई हमारे लिए। अरे एक तो हो गया ये वाला गाना, दूसरा हो गया ट्यून में गाना। सो गाइज फाइनली बाग टॉवर बोट गाइज, एंड यार क्या ही बोलूं, पहले अंदर जाने दो। ये रहा हमारा सामान, कुछ खाने का बहुत लाया है मैंने, एंड दरवाज़ा कर थोड़ा बंद। बाहर बहुत तेज़ बर्फ, ये बर्फ नहीं बारिश हो रही है, एंड मैं पूरा भीग गया हूँ। सबसे पहले करूँगा मैं काम, मैं करूँगा इस सब को चेंज एंड फ्रेश हो जाऊँगा एंड कपड़े करूँगा चीज़, वरना बीमार पड़ जाएंगे। और यस एंड मज़ा भी आ गया बहुत बाहर से, एंड कुछ खाने के का सामान भी ले आए हम, एंड अभी फ़िलहाल के लिए करते हैं चेंज एंड मिलते हैं आपको अब चेंज करने के बाद। एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड होने वाली है, तो इसको भी रखेंगे हम चार्ज को। सो यस One eternity later. So guys, finally, अब ये शूट हो रहा है पिछले फ्रेम के एक दो घंटे के बाद। मैं रेस्ट कर रहा था तो अब फ्रेश फील कर रहा हूँ, एंड क्या कहते हैं इसे, चेंज वगैरह भी कर लिया था हमने। थोड़ा सर्दी लग गई थी लेकिन अभी टेम्परेचर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, एंड वार्मअप भी बहुत है यहाँ पर। सो अभी फ़िलहाल के लिए भूख बहुत बहुत लग रही थी, एंड जो इनका स्टाफ है इंजन की सर्विस है, तो खाना हमने ऑर्डर करवा दिया। ये रहा हमारा कुछ खाना, एंड ये रहा प्लेट, उसके साथ हमने लाया ये चिकन शेजवान, एंड उसके साथ ही ये पालक पनीर, एंड अभी हम खाने वाले उसको, एंड प्लस ये वाटर और वो रहा ग्लास। तो यस अभी फ़िलहाल के लिए खाते हैं हम खाना। एंड बाय द वे ये मैं वो जो मैंने वहाँ से दिखाई थी आपको ग्लास की शॉप से ना, मेरे को थोड़े शीट्स लाने थे अपने लिए, लेकिन मैंने सोचा मैं अच्छे क्वालिटी के ही लाऊं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो टूट गया यार, इसका लेंस चेंज करवाना है, तो इंशाल्लाह मंडे को करवाऊंगा। तो ये तो हो गई मेरी असली वाली, एंड ये हो गई ब्रो ये वाली यार बहुत ही महंगी है। ये वाली लगभग मेरे को नहीं, ये वाली दोनों बोथ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दो ले ली, ये वाली आ गई मेरे को 1150 में। मेरे को पता ही नहीं इसमें इतना खास क्या है 1150 की है, एंड ये वाली जो है ये आ गई लगभग 1200 में। एंड यस यही दोनों ऐनक आ गई मेरे को, तो शेड्स बहुत ही टॉप, एक्चुअली शेड्स ठीक है, बस इसका जो ब्रांड है उसका वैल्यू है, ब्रांड का वैल्यू है, इसीलिए इतने महंगे होते हैं, वरना शेड्स तो नॉर्मल है। क्या ही कहूँ मैं, नथिंग मैटर्स बट ब्रांड मैटर्स, तो ब्रांडेड चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि ब्रांडेड बहुत ही तगड़ा होता है। तो अभी करते हैं इन सब बातों को एंड, अभी फ़िलहाल के लिए खाता हूँ मैं खाना अच्छे से, एंड मिलता हूँ मैं आपको अब खाना खाने के बाद। The next morning. So guys, it's the next morning and welcome back again. तो अभी फ़िलहाल के लिए सुबह के 8 बज रहे हैं, एंड यू कैन चेक द व्यू कितना सुंदर दिखाई देने को मिल रहा है आपको, एंड अभी ये नॉर्मल सी ब्रीज कितना चार्म कर रही है ऐड टू दिस व्यू। और अभी फ़िलहाल के लिए फ्रेश वगैरह तो मैं हो गया, एंड कल थोड़ा सवेरे सो गया था मैं, एंड कल रात को इतनी बारिश पड़ रही थी, एंड दैट एक्सपीरियंस वॉज ऑसम, एंड उसकी आवाज़ बारिश की एंड सोना टू गुड यार। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने चेंज वगैरह कर लिया है, एंड अभी ठीक लग रहा है मेरे को अच्छा, एंड फ्रेश वगैरह होके डायरेक्टली अभी पैकिंग वगैरह हो गई हमारी, एंड अभी हम जाने वाले हैं घर। तो अभी करते हैं यहाँ से चेकआउट, एंड अंकल को बोलते हैं एंड चेकआउट करते हैं, तो वो हमें ड्रॉप कर देंगे उधर तक। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट दिस ट्रिप, एंड देखते हैं आगे एक जगह भी जाना है, तो दिखाते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं। तो यस एंड
फिलहाल के लिए अभी करते हैं यहाँ से चेकआउट। बाय बाय आवर बोट गाइस। तो अभी चलते हैं हम डायरेक्टली रोड पर, इन्होंने हमें इस साइड ड्रॉप कर दिया क्योंकि बारिश थी, एंड यहाँ से चलेंगे हम वहाँ तक पैदल और पहले करेंगे हम अपना ब्रेकफास्ट बड़े मस्त अंदाज में। सो गाइज आई एम हेयर अगेन लंडन ड्रीम्स, एंड मेरे को ये बहुत अच्छा ढाबा लगता है एंड इसका अंदर का डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है यार, इसीलिए मैं यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर सब कुछ मिलता है इंडियन में। तो हम मैं यहाँ पर आया एंड हमने ऑर्डर करी है मैगी विद लिप्टन चाय एंड करा अपना ब्रेकफास्ट। अ फ्यू इंचेस लेटर। सो गाइज घर जाने से पहले फिर से मूड आ गया पहले थोड़ा KFC खाने का, एंड चलते हैं पहले। मज़ा आता है KFC का, अलग ही कुछ टेस्ट होता है। तो गाइज वी आर हेयर एंड ये रहा KFC का काउंटर, एंड यहाँ पर बहुत सारा कुछ मिलता है मीट वगैरह में, बकेट स्ट्रिप्स वगैरह, एंड हमने करा ऑर्डर ये एंड अच्छे से फिनिश कर लिया इसको। सो गाइज फाइनली आ गया टाइम इस सफ़र को दी एंड कहने का इधर ही, एंड हम आ गए यहाँ पर बस स्टैंड लाल चौक में, एंड यहाँ से जाएगी गाड़ी डायरेक्टली अनंतनाग। तो चलते हैं अभी गाड़ी में एंड येस से गुड बाय टू दिस जर्नी फिलहाल के लिए। Later. So guys, we are finally back to our hometown Anantnag, and अपने घर आने में अलग ही मज़ा है और अलग ही वाइब और अलग ही चार्म दिखाई देने को मिलती है। By the way, exploring is मतलब कि सबसे बेस्ट एक्सप्लोर करना जगहों को वो तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अपने घर की चार्म जब अपने होम टाउन में आते हैं तो अलग ही वाइब आती है। सो येस फाइनली वी आर बैक टू आवर होम, एंड अभी मैं बहुत थक गया हूँ एंड ये व्लॉग बहुत लंबा चला गया है भाई, एंड आई होप आप ये सारा व्लॉग देख रहे होंगे, एंड थैंक यू अगर जो कोई देख रहा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दिस व्लॉग एंड जो भी देखा एक्सप्लोर करा हमने, एंड थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको सब कुछ पसंद आया होगा एंड आगे और भी ऐसे एक्सप्लोरिंग वीडियोज़ आएंगे। बस आप लव एंड सपोर्ट कंटिन्यू रखो। तो येस एंड अभी फ़िलहाल के लिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देंगे, एंड यहाँ से जाकर मैं कुछ रेस्ट वगैरह कर लूँगा और कुछ भी नहीं, एंड नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर लेंगे हम कल, एंड अभी फ़िलहाल के लिए टाइम आ गया इस व्लॉग को यहीं पर एंड करने का एंड इस व्लॉग को एडिट करने का। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, इतना लंबा व्लॉग है किसी भी रीज़न से, तो एक लाइक शेयर एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है नीचे कुछ भी करो क्लिक हो जाना चाहिए। येस सी इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह, एंड तब तक के लिए बाय 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 गाइस।